हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। टीन शेड पर पैनल कैसे लगाया जाए उसके लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यह ऑनग्रिड सिस्टम है जो आपको लगा दिखाई दे रहा है। यह मोनो हाफ कट पैनल के साथ इंस्टॉल किया गया है और इसका फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ और पैनल लगाने हैं जिसका स्ट्रक्चर बन गया है, हमने पहले ही रेडी कर लिया था। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लगेंगे जिससे टंकी हमारी ढक जाए और इसका पानी भी गर्म ना हो सके, और कुछ स्ट्रक्चर हमारे यहाँ टीन शेड पे लगेंगे जिसका स्ट्रक्चर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये टीन शेड पे बना हुआ स्ट्रक्चर 15 पैनल का है और इसमें 15 पैनल मोनो हाफ कट लगेंगे। यह टीन शेड पे है तो इसलिए इस पे बाईफेशियल नहीं लगेगा। दोस्तों, आप सभी हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा बाकी का पैनल यहाँ रखा हुआ है और ये पैनल सावधानी पूर्वक टीन शेड की तरफ जा रहा है। देखिए, ये पैनल रखने का बहुत सही तरीका है। आप इसके ऊपर चाहे जितने पैनल रख सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि पैनल नीचे से न सरके। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं टीन शेड की छत पे, जहाँ पे हम अपना पैनल इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीन शेड में स्ट्रक्चर पहले से बना दिया गया है, लग गया है और पैनल को चढ़ाना शुरू कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कितनी दूरी में लग रहा है। दोस्तों, टीन शेड पे लगाने के लिए जो पैनल माउंट करने का तरीका है और जो स्ट्रक्चर लगाने का तरीका है, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको सही तरीके से पता चल पाएगा कि टीन शेड पे स्ट्रक्चर और पैनल कैसे माउंट किया जाता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा चल रहा है। यहाँ पे ये बाईफेशियल पैनल है और जो हम लोग टीन शेड पे लगा रहे हैं वो बाईफेशियल पैनल नहीं है। देख सकते हैं आप, पैनल चल रहा है, यह बाईफेशियल नहीं है। बाईफेशियल पैनल लगाने के लिए हाइट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर टीन शेड है तो जगह बहुत कम होती है जिसके लिए रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए इसमें बाईफेशियल पैनल नहीं लगाया जा रहा है। अब इसे स्ट्रक्चर पे पैनल को इसी तरीके से रख दिया जाएगा और इसी पर क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया जाएगा। ये कुछ पैनल हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लंकी की सहायता से एंड क्लैंप को टाइट कर दे सकते हैं। एक एक करके सभी पैनल को इस स्ट्रक्चर पर माउंट किया जाएगा। किनारे हम एंड क्लैंप का उपयोग कर रहे हैं और बीच में पैनल को स्ट्रक्चर से जोड़े रखने के लिए मिड क्लैंप आते हैं, ये मिड क्लैंप लगेंगे। तब हम लोग मिड क्लैंप की सहायता से स्ट्रक्चर को पैनल से जोड़ेंगे। ये मिड क्लैंप सही तरीके से स्टड के स्लॉट में फंसा देना होता है ताकि मिड क्लैंप मूव ना कर पाए जब भी इसे टाइट किया जाए। तो इसकी चूड़ी को पूरा खोल लें ताकि अच्छे से सेट हो सके।
ये मिड क्लैंप हमारा लग गया है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी मिड क्लैंप लगा लेते हैं। मिड क्लैंप दूसरी तरफ भी लग गया है। अब इसके साथ पैनल को सटा करके रखेंगे और ऊपर से एलंकी की सहायता से इसको टाइट करेंगे। दोस्तों पैनल का अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है ताकि पैनल आगे पीछे ना हो, एक सीधी रेखा में हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि पैनल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन अभी ये पैनल पूरी तरीके से अलाइनमेंट है, अलाइन है। अब इसको एलंकी की सहायता से टाइट कर देते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से टाइट करना होता है। एक बार टाइट होने के बाद ये अपने से नहीं खुलता है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैनल को टाइट करने का। दूसरा मिड क्लैंप भी अच्छे से टाइट कर दिया जाए। इसी तरह आगे के पैनल को जोड़ने के लिए फिर से मिड क्लैंप लगाते हैं। और एक एक करके सभी पैनल को इस पर रख करके, दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि यह टीन शेड जो है साउथ डायरेक्शन में थोड़ा टिल्ट है और यह कस्टमर ने पहले ही सोच समझ के इस स्ट्रक्चर को बनवाया था। यह टीन शेड साउथ दिशा में ही थोड़ा टिल्ट है ताकि पानी का ढलान भी उस दिशा में किया जा सके और पैनल लगाने में भी एक सुविधा मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पैनल हमारे यहाँ लगता जा रहा है। और टीन शेड में लगाने में एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि MC4 के कनेक्टर को ज़रूर जोड़ दें सीरीज़ में, क्योंकि अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो बाद में इसको जोड़ने में फिर समस्या आती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक पैनल को दूसरे पैनल के कनेक्टर को, MC4 कनेक्टर को जो आपस में जोड़ दिया गया है और इसको अंदर करके पैनल आपस में अटैच कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हर पैनल का अलाइन देखते हैं और अलाइन मिलाने के बाद ही मिड क्लैंप को टाइट किया जाता है ताकि पैनल एक सीधी रेखा में दिखाई दे सके, आगे पीछे दिखाई न दे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका एक पार्ट टू अभी आना है, बाकी है, जिसमें आप और जानेंगे कि बाकी के पैनल कैसे लगाए गए हैं, टीन शेड पे स्ट्रक्चर को कैसे लगाया गया है और लगाने का सही तरीका क्या है, टीन शेड में लीकेज ना हो उसके लिए क्या उपाय किए जाए। तो इस तरीके के आपके सभी सवालों का जवाब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन बेल को क्लिक कर लें जिससे कि आपको नई लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हमारा ये पैनल लग के तैयार हो गया है। इसको भी एलंकी की सहायता से अच्छे से टाइट कर देते हैं। अच्छे से टाइट हो गया ये। थैंक यू दोस्तों।